अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को बताया कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का जो एंट्रेंस है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी निकाले हैं। इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है आपको वो 3 मई 2023 रहने वाली है। अभी आपके पास कुछ ही 2-3 दिन बचे हैं, तो कोशिश कीजिए 3 मई से पहले अपना फॉर्म फिलअप करने की। अगर अभी तक फिलअप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर डिटेल्स अपनी फॉरवर्ड करके अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करवा दीजिए। तो आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम करेक्शन विंडो जो के बोपी का होता है उसके बारे में बात करेंगे कि करेक्शन विंडो आपका जो है वो कब खुलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप करेक्शन विंडो में कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप कर मतलब एडिट कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल आप अपना फॉर्म अगर आपने अपना सबमिट कर दिया है तो उसको आप एडिट किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत सबमिट किया है, किसी का जो है वो फोटोग्राफ में नाम मेंशन नहीं था, किसी के जो है वो कोई डिटेल गलत हो गई, फादर का नाम गलत है, अपना नाम में कोई मिस्टेक आ गई, या कई कैंडिडेट्स ने अभी डॉक्यूमेंट्स अपने गलत अपलोड किए हैं। तो सबको मैं जो है इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म एडिट किस तरह कर सकते हैं, जेके बोपी के अंडर आप करेक्शन विंडो किस तरह से ओपन होगी और उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आप जो वो एडिट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब आप एक बार अपना फॉर्म सबमिट करोगे, कोई भी डिटेल अगर एक बार आप सबमिट कर देते हो, सेव कर देते हो, तो उसको फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के फॉर्म को किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का सेपरेट फॉर्म लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्म आपको लगने वाला है तीनों कोर्सेज के लिए, और एक ही एंट्रेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और फी भी आपको वही 1000 यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देखते हैं एडिट करने के बारे में। तो देखिए एडिट जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा वो दो टाइप से गलत हो सकता है। नंबर वन, आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स आपकी गलत हो सकती हैं, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस गलत हो सकता है, पिन कोड आपका गलत हो सकता है, या आपने मोबाइल नंबर जो डाला है वो गलत हो सकता है, या अपना नाम में कोई मिस्टेक आपने की हो कि वो ये हो गया एक टाइप का गलत फॉर्म। दूसरे में यहाँ पे आपका आपने डॉक्यूमेंट कोई गलत कर दिया अपलोड। फॉर एग्जांपल आपको 10th की डेट ऑफ बर्थ करनी थी, आपने वहाँ पे 10th की मार्कशीट डाल दी, या 12th की मार्कशीट वहाँ पे आपको आपने वहाँ पे अपलोड कर दी, या कोई और डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया। तो दो टाइप से यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो मतलब इनकरेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ कई कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फोटो पे अपना नाम वगैरह डालना भी जो है वो उनको भूल गया, डेट उसमें डालनी थी वो भी भूल गया, तो वो उस टाइप के यहाँ पे मतलब एक डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपका गलत फॉर्म है, एक यहाँ पे आपने डिटेल्स अपनी जो है वो उसमें गलत फिलअप कर दी है। तो दोनों किस तरह से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपको पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन है, मतलब अपने डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह में जो मिस्टेक आपकी है उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं। देखिए उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जेके बोपी की जो आईटी मतलब टीम है, जब वो अपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अभी तो फिलहाल बीटेक की जो है वो प्रोसेस चल रही है क्योंकि उनके काफ़ी टाइम से फॉर्म लग रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल से उनकी वेरीफिकेशन वगैरह चल रही होगी, उसके बाद बीएससी नर्सिंग की जो है वो वेरीफिकेशन चलेगी। तो वो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी डालने पड़ेंगे, तो उसमें अगर आपको माइनर मिस्टेक्स हैं, जैसे नाम में कोई मिस्टेक आपको है, अपना जो है वो फादर के नाम में कोई आपको माइनर मिस्टेक है, या आपने कुछ और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपने की है, तो वो वहाँ पे आप उसमें खुद ही उसको एडिट कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने कई कैंडिडेट्स का ऐसे ठीक किया था। तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, नाम आपके गलत है थोड़ा सा क्योंकि आपने लास्ट पे मार्कशीट भी डाली है, आपने इनकम ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डाली है, एड्रेस वगैरह उसमें सब कुछ है, पिन कोड भी उसमें है, तो वो जो टीम है जेके बोपी की आईटी टीम है वो उसको खुद ही इन माइनर मिस्टेक्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको उसमें परेशानी लेने की कोई भी बात नहीं, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने उसमें पूरा फॉर्म ही गलत फिलअप कर दिया तो उसमें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी कोई मिस्टेक है, पिन कोड गलत है, नाम में कोई मिस्टेक है, तो वो आपको वो खुद उसमें ठीक करके आपका फॉर्म अप्रूव कर देंगे, कोई टेंशन लेने की आपको बात यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मसला है, ठीक, डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने डॉक्यूमेंट कोई अपलोड गलत किया है या कोई कुछ और उसमें किया है, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, देखिए अगर आपको जो लास्ट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए तो अभी फिलहाल आपको जो है वो वहीं पे ऑप्शन होगा, आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। नहीं तो जेके बोपी क्या काम करेगी, जब आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद जेके बोपी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे लास्ट पे आके काफ़ी बड़ा पीडीएफ होता है, इसमें इस तरीके का एक पीडीएफ मेंशनड होगा, नेक्स्ट ए इसमें मेंशनड होगा। देखिए इसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट मतलब कि उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक थी, डॉक्यूमेंट वगैरह गलत थे, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे डेफिशिएंट आ सकता है। देखिए याद रखिए मेरी बात, अगर आपने अपने नाम वगैरह डिटेल्स में कोई मिस्टेक की है तो जेके बोपी उसको खुद ठीक कर सकती है, वो माइनर मिस्टेक्स हैं, उनमें आपको फॉर्म डेफिशिएंट नहीं आएगा, वो उसको नाम में आपका थोड़ा सा मिस्टेक है वो आपको वो खुद से ठीक कर सकते,
हैं, लेकिन डेफिशिएंट आपको तब आ जाएगा जब आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक की होगी, मतलब डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया होगा, कैटेगरी वहां से आपने सेलेक्ट की लास्ट पे कैटेगरी नहीं डाली आपने, या आपने वहां से मार्कशीट में कोई गलत किया है। तो उसके लिए क्या जेके वो भी क्या काम करेगी, जब वो वेरिफिकेशन आपकी करेगी उसके बाद वो एक लिस्ट तैयार कर देगी उन सभी कैंडिडेट्स का जिनको डेफिशिएंट फॉर्म है। याद रखिए डेफिशिएंसीज आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही आ जाएंगे, आपकी माइनर मिस्टेक जो नाम वगैरह में होंगे उसको लेकर आपको डेफिशिएंसी यहां पे नहीं आने वाली है। तो उसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहां पे एप्लीकेशन नंबर है, यहां पे नाम है, यहां पे कैटेगरी है, यहां पे सब कैटेगरी है, और यहां पे D1 D2 D3 D4 एंड D5 एंड D6 D1 मतलब डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट 4 एंड डॉक्यूमेंट 5। इसमें यहां पे आपको क्या काम कर लेना, जब ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी जेके बोबी की तरफ से, इसमें यहां पे आपको अपना नाम अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर लेना, उसके बाद यहां पे आपको देख लेना डेफिशिएंसी मुझे कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं इन कैंडिडेट्स का बताऊं, इनका D1 यानी कि D जो यहां पे दिख रहा है ये डेफिशिएंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, MC यहां पे D2 में दिखा रहा है, MC मतलब मार्क्स कार्ड ठीक 12th का ये डेफिशिएंट है, D3 मतलब DOB यहां पे यानी कि 10th की डेट ऑफ बर्थ आपने अपलोड नहीं की है, D4 यानी कि कैटेगरी ALC CDP EWG KPM जो भी कैटेगरी आपकी है वो यहां पे आपको डेफिशिएंट है। तो यहां पे आपको अपना नाम चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मुझे यहां पे D1 D2 D3 D4 D5 D6 में कौन-कौन सा, और LE यहां पे हो गया लेटरल एंट्री, और D6 में यहां पे आपको PWD आता है ठीक। तो इसमें यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे डेफिशिएंट दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल इन कैंडिडेट्स का यहां पे दिखा रहा है, या पहले कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं इसमें यहां पे डोमिसाइल भी डेफिशिएंट दिखा रहा है, MC मतलब मार्कशीट मार्क्स कार्ड भी डेफिशिएंट है, DOB 10th की भी डेफिशिएंट है, कैटेगरी भी डेफिशिएंट है, और लेटरल एंट्री की भी इसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, मतलब इसको 5 डॉक्यूमेंट्स यहां पे डेफिशिएंट है। जब तक ना ये कैंडिडेट इन डेफिशिएंसीज को क्लियर करेगा तब तक इसका एडमिट कार्ड यहां पे नहीं आएगा और इसका फॉर्म जो वो डेफिशिएंट रहेगा। इसके लिए आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 to 4 डेज का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको ऑनलाइन ही इन डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया लास्ट वाला पेज पे जाके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, वहीं पे जाके इन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद जेके बोपी उसको वेरीफाई करके आपका फॉर्म अप्रूव करके और आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से आपको इसमें डेफिशिएंसीज क्लियर हो जाएंगी ठीक, इस तरह से आपको एडिट करना है। उसके साथ साथ एक और टाइप की यहाँ पे डेफिशिएंसी है कैंडिडेट्स को, मतलब एरर होगा कैंडिडेट्स को जिन्होंने यहाँ पे अपना जो एंट्रेंस आपका सिटी होता है, मतलब दो सिटीज हैं, एक हमारा जम्मू है एक यहाँ पे हमारा कश्मीर है ठीक। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय जम्मू रखा है तो अब आप चाहते हो कि मुझे कश्मीर में एंट्रेंस देना है, या अगर आपने कश्मीर रखा है तो आप चाहते हो मुझे जम्मू में एंट्रेंस देना है, तो उस कंडीशन के लिए इस चीज़ को आप कैसे एडिट कर सकते हो, इसको एडिट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको जेके बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे आपको एक जो है वो लेटर लिखनी पड़ेगी उनको कि मुझे इस तरह से मतलब अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना, मैंने जम्मू रखा था मुझे कश्मीर रख लेना है, तो वो वहाँ पे आपको उसमें चेंज कर सकते हैं ठीक। इस तरह से आपको वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ जिन कैंडिडेट्स ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगी ठीक, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम भी नहीं है, करेक्शन विंडो के टाइम भी नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या काम कर लेना, उनको एक प्लान पेपर पे लिख लेना है कि मेरी डोमिसाइल जो है वो अंडर प्रोसेस है, मैं काउंसलिंग के टाइम उसको अवेलेबल कराऊंगा, ऑनलाइन नहीं ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मैं वहाँ पे शो करूंगा, या एडमिशन के टाइम में आपको वहाँ पे शो करूंगा, तो फिलहाल के लिए मुझे फर्दर प्रोसेस करवाई जाए। तो उस कंडीशन में आपको वही प्लान पेपर अपलोड करके आपका डेफिशिएंट यहाँ पे नहीं आने वाला है। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उन कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने का मौका दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, और जिनकी कैटेगरी एक्सपायर हुई है उनको करेक्शन विंडो में कैटेगरी अपनी रीअपलोड करके उसको यहाँ पे अपना ठीक करना पड़ेगा। और लास्ट पे जो कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ का मसला है, फोटोग्राफ में नाम और डेट यहाँ पे जो आपने डाली नहीं होगी, तो देखिए उस कंडीशन में यहाँ पे डेफिशिएंसीज की कोई लिस्ट जारी नहीं कर दी जाती है, लेकिन नाम और डेट आपको डालना कंपलसरी है। अगर आपको मिस हो गया है नाम और डेट डालना, आप जेके बोपी में कॉन्टैक्ट कीजिए, जब 3-4 दिनों में आपकी जो है वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी, आप कोशिश कीजिए आज ही से उनके साथ कॉन्टैक्ट करना और वहाँ पे अपना फोटोग्राफ जो होगा उसको रीअपलोड करवा दीजिए उनसे, तो आपका वहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए आपको नाम और डेट उसमें कंपलसरी है डालना, करेक्शन विंडो में आप ये फोटोग्राफ वगैरह अपना रीअपलोड नहीं कर सकते हो, नहीं साइन नहीं थंब इंप्रेशन आप अपना रीअपलोड कर सकते हो। वैसे इसमें आपको डेफिशिएंसीज मतलब रिजेक्ट तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कीजिए आप इसको ठीक करने की, डेफिशिएंट आपका आ जाएगा लेकिन लिस्ट में आपका नाम इसके लिए नहीं होगा, तो ये आपको आगे चल के फिर जो है वो इशू हो सकता है, इसलिए आप बोपी में बात करके उसको यहां पे अपना ठीक करवा दीजिए ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत यहां पे आपको नहीं आए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे, ये था करेक्शन विंडो के बारे में डिटेल्ड वीडियो, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी जानकारी करेक्शन विंडो के बारे में दे दी है। तो कोई भी कंफ्यूजन डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट करवा दीजिए।